नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 दिसंबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। CBSE लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीटेट एडमिट कार्ड 2022 की अपडेट को देखेंगे और बात करेंगे आपको सीटेट का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। और कुछ वैकेंसी पर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से जो अपडेट आई थी उसको देखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं 4 वर्ष से DLED प्रशिक्षुओं को भर्ती का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी ही नहीं आ रही, बच्चे बेहद परेशान हैं। पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हर साल बढ़ रहे हैं 1.25 लाख प्रशिक्षु। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती न आने से बड़ी DLED पास बेरोजगारों की संख्या। प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही एकमात्र विकल्प है। तो हर एक अपडेट को देखिए, आप लोग को देखते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, कहां पर कैसे कैसे क्या अपडेट्स हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, इसके माध्यम से भी जो अपडेट आती रहेंगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो DLED में वैकेंसी नहीं आ रही है, जो बच्चे बेरोजगार हैं। और उसके बाद देखिए राजस्थान शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा विज्ञप्ति है, प्राथमिक में 21,000, माध्यमिक में 27,000, कुल 48,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जो अभी हमने आपके सामने रखा, ठीक है। ये तो अब देखिए सीटेट का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है। लेकिन अभी आपको बता दें KBS के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो जल्द से जल्द पहले आवेदन कर दीजिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस एक ही बात है कि परीक्षा की जो तैयारी है उसको आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देखिए आपका जो रिजल्ट है ये सब खराब हो सकता है। इतनी मेहनत है सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी JEE मेन जनवरी व अप्रैल में परीक्षा आवेदन शुरू होगा, जो भी अपडेट्स आएंगी, ठीक है। हाई कोर्ट से जो भी अपडेट आती वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो CBSE लेटेस्ट अपडेट, सीटेट एडमिट कार्ड की अपडेट और UPTET की जो अपडेट आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल देखिए एडमिट कार्ड के लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया, जहां से आप लोग अपना प्यारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और UPTET और SuperTET की बात रही तो देखिए गाइस, UPTET में जो मामला है ना, अब इसका जो विज्ञापन आएगा उम्मीद है कि जनवरी 2023 में आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि अपडेट निकल कर आती है। ये बात रही UPTET की। फिर बात आती है SuperTET, इसमें क्या होगा। SuperTET को लेकर भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बस यही है कि आप लोग परीक्षा की जो तैयारी है उसको बेहतर तरीके से करते रहिए, ठीक है। एक और अपडेट आती है हाईकोर्ट से, NCTE के मानक के अनुसार हो BEd विषय के लिए सहायक आचार्यों की भर्ती। इस अपडेट को भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करते रहेंगे, ठीक है। जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बस ये कि परीक्षा की तैयारी आप लोग बढ़िया से करते रहिए। प्रयागराज से क्या अपडेट आती है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना लेकर DLED करने वाले अभ्यर्थियों को 4 साल से भर्ती का इंतजार है, ठीक है। 4 सालों से भर्ती तो नहीं आई, लेकिन DLED उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या अलबत्ता हर वर्ष 1.25 लाख तक बढ़ जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन अभ्यर्थियों के पास इस भर्ती के अलावा दूसरा विकल्प न होने से इंतजार के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी अब नहीं है। तो बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं परीक्षा की जो तैयारी उसको आप लोग बढ़िया से करिए। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में DLED BTC पास अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। हर साल प्रदेश के विभिन्न संस्थानों से लगभग 1.25 लाख DLED पास अभ्यर्थी डिग्री लेकर निकल भी रहे हैं। तो हर एक अपडेट पर देखिए आप लोग की नज़र होनी चाहिए, कहीं से कोई भी अपडेट आ जाती बड़ी उसको आप लोग भी कवर करेंगे। बाकी सीटेट एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये सब भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ठीक है गाइस, अच्छे से आप लोग परीक्षा की तैयारी करिए, कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है और आपका सीटेट का एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आने वाला है, उसको लगातार चेक करते रहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उसमें डेट देखना है कि आपका पेपर किस तारीख को पड़ रहा है। बाकी एग्जामिनेशन सिटी इस बार आपको पहले से पता है, लास्ट टाइम ये आपको पता नहीं था। पेपर ऑनलाइन मोड में, पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके आपको 150 क्वेश्चन को टिक करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी बार आपका तुक्का भी लगेगा जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी UP में जो 51,112 पदों पर वैकेंसी आने वाली है उस पर भी आपको नज़र बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।